बीजेपी ऐसा प्रदर्शन कर रही है जैसा शायद किसी ने सोचा नहीं था। 152 सीटें बीजेपी अभी जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि हालांकि अभी रुझान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से नीचे गई है। और आम आदमी पार्टी के बारे में लोग यही बात कर रहे थे कि 10 से नीचे रहती है या 10 से ज्यादा सीटें जीतती है, तो आम आदमी पार्टी इस समय 6 सीट जीत रही है। तो सुबह से अंजना जो है वो आपके साथ हैं और अंजना लगातार आपको अपडेट दे रही हैं। तो अंजना एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है या हमारे तो जो सर्वे है, हमने 151 दिया था अपर एज बीजेपी को, वहीं पर पहुंचता हुआ। कांग्रेस हमने कहा था 16 से 30 वहीं पे सिमटती हुई। आम आदमी पार्टी हमने 9 से 21 कहा था, लेकिन सिंगल डिजिट पर वो टिकेगी और अटक जाएगी, ये भी साफ दिख रहा है। वहीं हिमाचल में अगर आप देखिए तो आंख मिचौली आंकड़ों का चल रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सईद अंसारी हमारे सहयोगी और सत्येन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येन, अब सबकी नजर यहीं पर है, जो 5-4 निर्दलीय विधायक चाबी हो सकते हैं सत्ता की, उनमें से 2 तो ऐसे हैं केएल ठाकुर और होशियार सिंह, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, पिछली बार जीते थे, इस बार टिकट नहीं मिला, निर्दलीय बने। क्या बागियों से संपर्क अभी से कर रही है? और कुछ तो बीजेपी के नेताओं के बेटे हैं जो जीते हैं, कौन बाजी मार ले जाएगा? अंजना, इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐतिहासिक रिज मॉल है और ये देखिए तस्वीर, आज तक विश्वसनीयता क्या होती है, जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था उसकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसा पूरा हिमाचल आज तक देख रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है लोग टकटकी लगाकर आज तक देख रहे हैं। तो ये तो है विश्वसनीयता की बात। और जो एग्जिट पोल में हमने कहा था, देखिए अभी अगर मैं ये स्कोर बोर्ड देखूं, 30 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की बताई थी और 35 से 40 कांग्रेस पार्टी की बताई थी सीटें, और सुबह से हम कह रहे थे कि कांग्रेस 35 सीटें ले जाएगी। तो ये वो तस्वीर है जो विश्वसनीयता को जाहिर करती है। दूसरी बात, आपने कहा केएल ठाकुर और आशीष शर्मा और होशियार सिंह, 3 बागी हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है। और ये वो बागी हैं जो पहले विधायक भी रहे हैं, इनकी टिकट कट गई थी उसकी वजह से। और अब ऐसा लग रहा है कि जो माहौल यहाँ पर बन रहा है उस माहौल के मुताबिक ये जो तस्वीर है, ये चाबी जो है सत्ता की, कहीं ना कहीं इन बागियों के हाथ में चली गई है। और ये अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी लगातार कहा जा रहा था और कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक प्लान बी बना रही है, और उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी एक प्लान बी बनाया था जिसका खुलासा खुद विक्रमादित्य ने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि हमने संगठन के लोगों की ड्यूटियां लगाई है और जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसके पास गाड़ी खड़ी होगी, हमारा व्यक्ति खड़ा होगा संगठन का, और सीधा उन विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट लेते ही एक गुमनाम जगह पर ले जाया जाएगा, उसके बाद में रिजॉर्ट में कहीं शिफ्ट किया जाएगा। सत्येंद्र, मैं आपको बीच में रोकूंगा एक बार, जरा अपने दर्शकों को हम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जो तस्वीर इस समय नजर आ रही है वो एक बार दिखा देते हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीर है ये दिख रही है, बीजेपी थोड़ी सी पीछे चल रही है 30 सीटों के साथ, कांग्रेस 35 सीट, आम आदमी पार्टी का वहां पर खाता नहीं खुला है और अन्य दलों को अभी 3 सीटें वहां पर मिल रही है। तो 5 सीटों का अंतर अभी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन 5 सीटें जो ये हैं ये 35 बनकर उनको बहुमत का आंकड़ा पर पहुंचा देती हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। अगर मामला फिसलता है 1-2 सीट का भी तो निर्दलीय बन सकते हैं सत्ता की चाबी। और बात अब गुजरात की कर लेते हैं, गुजरात दिखा देते हैं। जी, अब गुजरात एक बार आप देख लीजिए, गुजरात में बीजेपी 152, कांग्रेस 20 और आम आदमी 6 सीटों के साथ है इस समय, और अन्य दल 4 सीटों के साथ है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत ही एक तरीके से आप कहिए कि बम्पर वोट लिए हैं गुजरात में, और 27 सालों का जो जिसको लोग हमारे राजनीति में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वेव चलने लगती है उसे उन्होंने पूरी तरीके से बीट कर दिया है। इस बार लोग कह रहे थे कि कम सीटें आएंगी लेकिन इसके बावजूद ज्यादा सीटें आ रही है। सईद अंसारी के पास हम चलते हैं। सईद, आप इस समय ग्राउंड पर हैं, क्या लोग जो हैं वहां पर वो इस बात को लेकर हैरान हैं या पहले से ही ऐसा लग रहा था जमीन पर कि बीजेपी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी?
सुधीर जी बिल्कुल लोग हैरान नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, और इनके जोश से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हें पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, हर जगह जोश ही जोश है, जश्न ही जश्न है। और सिर्फ देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए नाच है, गाना है, और सिर्फ जश्न है चारों तरफ। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीर है, इस तस्वीर को हम आपको दिखाएं तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। जय श्री राम, जय जो बहुत अच्छा है, मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। देख लिए, सबको पता था यहाँ पर कि यही होना है, जो आज तक कभी गुजरात में नहीं हुआ वो आज बीजेपी ने कर दिया है, यानी कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें बीजेपी ले आई है। ये तस्वीरें कुछ भी कहने से ज्यादा हैं सुधीर जी। देखिए, और यहां से आपको दिखाएं, देखिए दूर तक, इधर भी आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता दूर तक दिखाई दे रहे हैं, और ये जोश है, ये जुनून। मेरा नाम हसमुख जैन है, मैं मुंबई से आया हूँ, और मोदी जी की ये जीत, मोदी जी की और देश की, मोदी जी, ये भी सुधीर जी महत्वपूर्ण है अंजना, कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी मोदी। चारों तरफ मोदी ही मोदी, यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, वहाँ मोदी, मोदी मोदी, मोदी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी मोदी, और मोदी के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये माहौल है। आइए एक बार फिर से आपको बाहर लिए चले तो हम आपको बताएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। सही, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का नेता, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी किसी यज्ञ से कम नहीं होता है, क्योंकि कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही थी, और इन कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी चुनौती थी लोगों को हर जगह पर इकट्ठा करना, पार्टी का प्रचार करना।